आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से खबर है और देखिए केजरीवाल समेत आपके 6 नेताओं के पोस्टर जारी किए गए हैं। बीजेपी की ओर से पोस्टर को ट्वीट किया गया है और पोस्टर पर बीजेपी की ओर से यह लिखा गया है कि दिल्ली के ठग्स। अब देखिए ये जो एमसीडी चुनाव की लड़ाई है पोस्टर पर आई है अब, और ये पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली के ठग्स। इससे पहले आपको याद होगा भाजपा की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया था, उसमें मनीष सिसोदिया को बाइक पर बैठे हुए दिखाया गया था और लिखा गया था ठग ऑफ दिल्ली। अब एक और पोस्टर जारी किया गया है भाजपा की तरफ से और इसमें देखिए तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं। बीच में आपको अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मनीष सिसोदिया समेत सत्येंद्र जैन तक की फोटो इसमें नजर आ रही है और भी तमाम चेहरे इस पोस्टर में आपको नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीका इख्तियार किया है वार करने का। पोस्टर जारी किया गया है भाजपा की तरफ से और ये वही पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं जो बीजेपी ने ट्वीट किया है। दिल्ली के ठग्स लिखा गया है और ये बताने की कोशिश है जनता को कि ये दिल्ली के ठग्स है, दिल्ली को इनके द्वारा ठगा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है दरअसल उन दावों में भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बात कही जा रही है भाजपा की तरफ से। हालांकि ये कोई एक तरफ से नहीं है बल्कि दोनों तरफ से यही हाल है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ट्वीट के जरिए निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी अपना पक्ष लगातार रख रही है। गणेश पाठक दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश देखिए क्योंकि प्रचार की बात तो अलग है लेकिन यहाँ पर अब जो पूरी लड़ाई है एमसीडी चुनाव की वो पोस्टर पर आती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है दिल्ली के ठग्स और वो तमाम बड़े चेहरे इस पोस्टर में है जो आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं। देखिए जिस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम चुनाव और उसकी तारीख अब नजदीक आ रही है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी दोनों आक्रामक है। बीजेपी की ओर से लगातार पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर वॉर किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक नया जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें जो कहा गया है कि जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर जो पूरा मामला चला है उसमें महाठग कहा गया है कि जो शराब पर ठग किया गया है उसमें मनीष सिसोदिया हवाला और तिहाड़ के जिस तरीके से ठग किया गया है सत्येंद्र जैन यानी और तमाम मामलों को लेकर और तुष्टीकरण को लेकर अमानतुल्ला खान, टिकट का ठग दुर्गेश पाठक और बसों का घोटाला कैलाश गहलोत और इन सब का जो महाठग है उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया। उनमें कहा गया कि जिस तरीके जो स्क्रिप्ट लिखी गई है लिखा जा रहा है रचयिता जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी अब निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के द्वारा लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी के द्वारा जिस आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कार्य किए गए हैं उन कार्यों का अब पोस्टर के जरिए लगातार पोस्टर वॉर की जा रही है। पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से लुटेरा का पोस्टर वॉर किया गया था, फिर उससे पहले मसाज पावर पोस्टर वॉर किया गया था बीजेपी के द्वारा। लगातार आम आदमी पार्टी पर अब बीजेपी निशाना साध रही है पोस्टर के जरिए। तो वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास तो कुछ नहीं है, बीजेपी ने तो 15 साल निगम की सत्ता पर रहकर कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने तो केवल दिल्ली को कूड़ा कूड़ा ही कर दिया, दिल्ली ने कूड़े के पहाड़ कर दिया। तो आज जिस तरीके से हमने जो काम किया है आज उन्हें हमारे कामों से तकलीफ हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या स्कूल का क्षेत्र हो, हमने तो हर जगह काम किया। आज दिल्ली खुश है और दिल्ली की जनता नगर निगम के चुनाव में बदलाव चाहती है तो उनकी ये बौखलाहट है, इसीलिए वो तमाम अनर्गल बातें कर रहे हैं पोस्टर के। देखिए जिस तरीके से लगातार ये पोस्टर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कहने हैं कि ये पोस्टर काम नहीं करने वाला इस चुनाव में। बिल्कुल गणेश, तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना भी पक्ष रखा जा रहा है। हालांकि जवाब ये दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ इस पोस्टर के अलावा कुछ भी कहने को नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए पोस्टर पर बीजेपी की ओर से दिल्ली के ठग्स लिखा गया है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास काम तो दिखाने के लिए नहीं है, बस पोस्टर पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं।